वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज का दिहाड़ा सिख पंथ दे विच महान पवित्र दिहाड़ा, जिस दिन साहब सतगुरु कलगियां वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखसर साहब गुरद्वारा विखे सतगुरु जी की संपूर्णता धन धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी की। सो समुची संगत नूं गुरु नानक नाम लेवा माई भाई नूं अज दे इस पवित्र दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई दिना। सवेरे खंड पाठां दे भोग तों बाद गुरु साहब ने अपार किरपा ते बख्शिश कीती, जिथे इस तख्त दमदमा साहब विखे एक बहुत ही खूबसूरत गुरु ग्रंथ साहब भवन। वो गुरु ग्रंथ साहब भवन की खूबसूरती यह आ कि मैं भावें सारे गुरद्वारा साहबाना में जाना, पर जिस ढंग दे नाल उहदी सेवा होई आ, रूह दे नाल सेवा होई आ, सतगुरु ही लग सचमुच ही लगता भी सतगुरों का यह पवित्र स्थान आ। उस गुरु ग्रंथ साहब भवन विखे 16 पलंग जिहदे विच लगभग 128 सरूप एक समय सुशोभित हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत निर्माण होया। नाल ही एक बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी। कई बार बंदे सोचते हैं भी जो एनवायरमेंट हो पढ़ने भी जी करता तो कुछ लिखने भी जी करता, वह भी बहुत खूबसूरत जी लाइब्रेरी बनाई आ। सो मैं सिंह साहब नूं बहुत बहुत बधाई दिना, बधाई इस गार की कि गुरु ग्रंथ साहब भवन जिस तर्ज पर बनना चाहिए उस तर्ज पर वो भवन बनया। तो मैं इस करके बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले, बाबा महेंद्र सिंह जी, बाबा चरणजीत सिंह जी, उन्होंने बधाई दिना बहुत बहुत, जिन्होंने बड़ी रूह के नाल सेवा करवाई। दूसरा इधर दर्शनी ड्योढ़ी के नाल साडे भूरी वाले महापुरश बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी, जिन्होंने ठंडे जल की एक छबील जी बहुत खूबसूरत आधुनिक ढंग के नाल, आधुनिक ढंग ना इस करके कि सफाई तो हर एक पक्ष तो वह जी सुरक्षित आदा भी अज उद्घाटन किया गया, जिते सतगुरों के संपूर्ण दिवस की बहुत बहुत बधाई देना। उत्थे नाल दी नाल गुरु ग्रंथ साहब भवन और लाइब्रेरी ते चेचे तौर पर जिहड़ी ठंडे जल की छबील, ठंडे मिठे जल की, उहदी भी सारियां संगतां नूं बहुत बहुत बधाई देना, महापुरशां नूं बहुत बहुत बधाई देना जिन्हां ने बड़ी रूह दे नाल सेवा कराई आ। एक अज जिहड़ा आ कार्ज साडे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, सिख रिसर्च बोर्ड वालों, सिख पंथ के महान प्रचारक ज्ञानी बेवा सिंह जी, जेडे सात सात दिन के दीवान साढ़े हुशियारपुर भी लाते होंगे सी, ते बड़िया खूबसूरत गुरमत दियां विचारां, ते फिर जिदा कहिंदे ना कणक जिले गाह हुंदी उह चों बोर झाड़ कि निकलता, ते अमृत संचार लई भी सिंह उह तैयार कर लैंदे सी उहनां दे जीवन दे उत्ते। अज जिहड़ी एक पुस्तक आ राजविंदर सिंह जोगा वल्लों लिखे आ, भी इह वी आ सिंह साहब ने रिलीज़ कीती आ, ते मैनूं आस आ कि उहनां दे जीवन तों, जीवन दियां झलकां तों इह वी जिहड़े अज दे चाहे विद्वान आ प्रचारक आ उह वी इत्थों अपनी सांझ लैणगे। एक बार फिर दिल दियां डंगियाईयां तों सारी संगत नूं संपूर्णता दिखदी, और आ जिहड़ियां पवित्र अज सभावां इत्थे होईयां बहुत बहुत बधाई दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराहे, तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे अज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपूर्णता दिवस मौके अते दर्शन करन आईयां संगतां लई संप्रदाय कार सेवा भूरी वालियां वल्लों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अते समूह संगतां दे सहयोग नाल जो छबील की इमारत की सेवा करवाई गई, जिसका उद्घाटन सत्कारयोग सिंह साहब जी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह मैंबर साहबान अते संगतां दी हाजरी विच कीता गया। अते हुण दर्शन करन आईयां संगतां लई जिहड़ी हुण जल दी सहूलत है ये बहुत वधिया जिहड़ा प्रबंध कीता गया, अते गुरु साहब कृपा करन इस तरह जिहड़ियां बाकी भी सेवावां चलदियां ने वो आप सिर ते मेरा भरिया हथ रख के करवाउंदे रहन।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।